Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the Vedic period. क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? तो सबसे पहले तो हम उस टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे जिस टाइम फ्रेम को हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड. फिर हम लोग देखेंगे कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड में लिटरेचर कैसा था, किस लैंग्वेज में लिखा गया था, कैसे हम इस वैदिक लिटरेचर को क्लासीफाई कर सकते हैं. फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे वेद्स हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा वेद कौन सी बात को करता है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को. तो सबसे पहले हमें क्या ही डिस्कस करना है कि भाई किस पीरियड को हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं. तो बेटा वो पीरियड जब आर्यंस इंडिया में आए और आकर सेटल्ड हो गए, उस पर्टिकुलर पीरियड को हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड. और ये किस टाइम में था? तो आज से छोड़ो किस टाइम में था? 1500 to 1000 BC. फिर से ध्यान से सुनो, हमारे जो स्कॉलर हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं कि वो पीरियड जब आर्यंस इंडिया में सेटल्ड हुए पहली बार, उसे ही हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड. और ये कब की बात है? आज हम 2024 में हैं बेटा, इससे हम बैक जाएंगे 1 AD. तो कितने साल पीछे चले गए हम? 2024 साल पीछे चले गए. और फिर हमें कितना पीछे जाना है? 1500 या 1500 ईयर बैक जाना है. ये जो पर्टिकुलर टाइम था, मतलब या तो आज से 3500 साल पहले या 3000 साल पहले, ये जो पर्टिकुलर टाइम है इस पर्टिकुलर टाइम को हम कहते हैं कि भैया उस टाइम में अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था. आई बात समझ में? आज से 3000 साल पहले, आज से 3500 साल पहले, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखाया. क्या बोला है कि 1500 BC से 1000 BC, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में अर्ली वैदिक पीरियड था. फिर इन लोगों ने आयरन का यूज़ करना कब सीखा, लोहे का यूज़ करना कब सीखा? तो आज से 3000 साल पहले या 2500 साल पहले. कैसे आया ये 3000 या 2500, 3000 या 1000? आप कहाँ पर हैं? 2024 में, 180 में जाओ, मतलब आप कितना पीछे चले गए? 2000 ईयर बैक चले गए. फिर अगर आप 500 ईयर बैक गए तो मतलब आप 2500 ईयर बैक चले गए. और 1000 ईयर बैक गए तो आप 3000 ईयर बैक चले गए. आज के रेफरेंस में बता रही हूँ कि आज से हम कितने साल पहले की बात करें, 3000 साल पहले की बात करें हैं या 2500 साल पहले की बात करें हैं, जब हमारे आर्यंस ने आयरन का यूज़ करना सीख लिया. ठीक है बात. और ऐसा बिलीव है कि ये जो आर्यंस थे ये रिवर कोर्स को फॉलो करते हुए, जैसे रिवर यहाँ से निकली यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये रिवर कोर्स को फॉलो करते हुए आए और रिवर यमुना और रिवर गंगा की जो वैलीज होती हैं उनमें आकर सेटल्ड हो गए. ठीक है बात. तो आर्यन इंडिया में पहले कब सेटल्ड हुए? तो आज से 3500 साल पहले. फिर इन्होंने आयरन को यूज़ करना कब सीखा? 3000 साल पहले या 2500 साल पहले. ठीक है बात. फिर आर्यंस ने किस कोर्स को फॉलो किया बेटा? तो ये रिवर के किनारे किनारे आए और गंगा और यमुना रिवर के किनारे रहने लग गए. बेटा ये जो आयरन के टूल्स थे, लोहे के जो इनके पास टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, ये इन्होंने इनको बहुत हेल्प की, क्योंकि इसकी मदद से ये फॉरेस्ट को क्लियर कर पाए. नहीं तो उस टाइम में इतने डेंस फॉरेस्ट होते थे कि फॉरेस्ट को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता था, पर आयरन टूल्स ने इनकी हेल्प की और ये फॉरेस्ट को ईजिली क्लियर करते हुए आगे की तरफ चढ़ गए. चलते गए ये ईस्टवर्ड गए, साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गए. ठीक है बात. और इस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ये मूव ही करते जा रहे थे, पहले गंगा के रिवर को के कोर्स को फॉलो किया, फिर रिवर यमुना के रिवर को कोर्स को फॉलो किया, फिर वहाँ पर एक जगह बैठ कर रहने लग गए, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम तक ये लोग नोमैडिक थे. नोमैडिक का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर इज कॉल्ड नोमैडिक. नोमैडिक ट्राइब हम किसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहे, किसकी तलाश में? फूड और वाटर की तलाश में. इन्हें हम क्या कहते हैं? नोमैडिक. तो इस टाइम तक जो आर्यंस थे वो नोमैडिक थे. जनरली धीरे धीरे करके वो गैंगेटिक वैली में, गंगा रिवर की वैली में सेटल्ड गए. ठीक है बात. फिर से यहाँ से देखते हैं कि भैया आयरन के टूल ने इनकी बहुत हेल्प की, इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, ये ईस्टवर्ड और साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गए. जो आर्यंस थे वो नोमैडिक थे नेचर में, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे जाके गैंगेटिक वैली में सेटल्ड हो गए. और जब ये सेटल्ड हो गए, यहाँ से शुरुआत होती है लेटर वैदिक पीरियड की.
दिस पीरियड इज नोन एज लेटर वैदिक पीरियड, 1000 BC से लेके 1000 BC से लेके 500 BC तक ये चला। ठीक है बात, जब वो पहली बार इंडिया में आए तब था अर्ली वैदिक पीरियड, पर जब वो जम कर एक जगह रहने लग गए, मतलब ग्रेजुअली सेटल हो गए, नोमैडिक लाइफ छोड़ दी, जब गैंगेटिक वैली में सेटल्ड हो गए, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। दोनों में कितने का डिफरेंस है जरा यहाँ से ध्यान से सुनो। ऐसे माना जाता है 1500 से 1000 BC पहले, बिफोर क्राइस्ट है ना, ये लोग इंडिया में पहली बार आए होंगे। फिर इन्होंने सेटल्ड वे में रहना कब सीख लिया होगा, आज से, मतलब आज से नहीं छोड़ दो, 1000 BC टू 500 BC, मतलब आज से अगर मैं बताऊँ तो 2500 साल पहले, 3000 साल पहले ये सेटल्ड हो गए थे, और 3000 साल पहले, 3500 साल पहले ये इंडिया में आए होंगे। कोई फिक्स डेट नहीं है, इसलिए इतने बड़े हम फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं। आई बात समझ में? अब भाई सोर्सेस क्या है, अगर आपने आर्यंस की हिस्ट्री को लिखा है तो किस बेसिस पे लिखा है? तो बेटा हमारे पास बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। जो वैदिक टेक्स्ट हैं उन्हें हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में या टू ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं अर्ली वैदिक टेक्स्ट, ठीक है, जो लिखी गई कब, वही अगेन 1500 टू 1000 BC में, वैन मोस्ट ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद वर कम्पोज, और इस पर्टिकुलर टाइम में ऋग्वेद की हिम्स को कंपोज कर लिया गया था। ठीक है बात, कब, इस टाइम। अब इस टाइम को इतना मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे बोलने से डर लग रहा है कि आप बोलोगे मैडम कितना बोर कर रही हैं। लेटर वैदिक पीरियड ये वाला फ्रेमवर्क है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में रिमेनिंग जो वेद थे और उनकी जो ब्रांचेस थी उन्हें लिखा गया। ऋग्वेद लिखा गया आज से 3000 साल पहले, और बाकी लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे गए आज से 2500 साल पहले और 3000 साल पहले। अच्छा, ब्रांचेस कौन कौन सी है? वेद तो हमें पता है कि 4 वेद हैं, इनकी ब्रांचेस ब्रह्मानस, अरण्यक्स, उपनिषद। ब्रह्मानस, अरण्यक्स, उपनिषद, द टू पीरियड्स करस्पॉन्ड टू फेस ऑफ फॉरेन एक्सपांशन इन इंडिया। और ये जो दो पीरियड हैं जिन्हें हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं या लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, जिसमें अर्ली वैदिक टेक्स्ट लिखे गए या लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे गए, ये ही दो वो टाइम हैं जिनमें हम बोल सकते हैं या दो फेस हैं फॉरेन एक्सपांशन के इंडिया में। ठीक है बात बेटा, जितना भी वैदिक लिटरेचर है वो पूरा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। टर्म वेदा लिखा है, पर इसको वेद ही पढ़ेंगे बेटा, वेद है ना, वेदा जैसी कोई चीज़ तो संस्कृत में थी ही नहीं। वेद, द टर्म वेद हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद विच मीन्स नॉलेज। विद, विद विद मतलब होता है नॉलेज, और इस विद से ही वर्ड वेदा आया है, ये वर्ड वेद आया है। वैदिक लिटरेचर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली श्रुति एंड स्मृति। वैदिक लिटरेचर को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक को आप श्रुति कहोगे, दूसरे को स्मृति कहोगे। ऐसा बिलीव है, ऐसा माना जाता है कि जो श्रुति है वॉज रिवील्ड टू द सेजेस बाय गॉड, ठीक है, साधुओं को खुद भगवान ने, गॉड ने बताई थी श्रुति। They passed on that knowledge orally from generation to generation. फिर जो sages थे, जो साधु थे, उन्होंने श्रुति को orally one generation to another generation transfer किया। On the other hand, जो स्मृति literature था उसे compose किया हमारे ऋषियों ने। कई बार अब बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो श्रुति होती है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है बात, भगवान ने सीधे साधुओं को, संतों को श्रुति सुनाई। अब जब साधुओं ने श्रुति को सुना, फिर इनके जो डिसिप्लाइज थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, उनको इस नॉलेज को ओरली पास कराया। ठीक है, एक एक टीचर होता था है ना गुरुकुल्स में, वो अपने बच्चों को सारा जब नॉलेज दे रहा है तो वो कैसे देता था, ओरली, जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज पास ऑन होता गया। और स्मृति लिटरेचर जो था उसमें क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने संतों को सुना, साधुओं को सुना, सेजेस को सुना, संतों को सुना, और फिर जो उन्हें कुछ याद रहा उसे कंपोज किया, तो उसे क्या कहते हैं, स्मृति, श्रुति। जो पहली बार सुनाया गया
ठीक है, फिर जो पहली बार आपने सुना उसको जनरेशन टू जनरेशन लोगों को सुनाया, लोगों ने उससे जो भी कुछ याद रखा उसे क्या कहा गया, स्मृति। तो स्मृति किसने कंपोज की है, ऋषिज ने। और श्रुति किसने सुनाई थी, सीधे भगवान ने सुनाई थी, किसको सुनाई थी, संतों को सुनाई थी। अब जो वैदिक लिटरेचर है उसे हम फोर कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, फोर वेद, ब्रह्मानस, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, बात फोर वेद की अगर हम बात करें तो ऋग, साम, यजुर, अथर्व, चार वेदों के नाम क्या हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड देयर संहितास। फिर ब्रह्मानस अटैच्ड टू ईच संहिता, फिर हर संहिता से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रह्मानस, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। पहले हम वेद पढ़ेंगे। जो ऋग्वेद है बेटा वो ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, ये मेन काइंड के लिए फर्स्ट टेस्टामेंट है, देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मेन काइंड। तो बेटा क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मानव जाति के होने का जो पहला सबूत है वो हमें ऋग्वेद ही देता है। ठीक है, बात द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मेन काइंड, भैया इंसान थे ये हमें किस बात से पहली बार पता चलता है, ऋग्वेद को पढ़ने से पता चलता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलम्स, मंडल्स। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो कितने मंडल्स में डिवाइडेड है, 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। ठीक है बात, इसे कब कंपोज किया गया, कब लिखा गया, तो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया। जो हिम्स हैं वो किसको डेडिकेटेड है, द हिम्स आर डेडिकेटेड बाय द सेजेस टू गॉड्स। जितने भी हिम्स ऋग्वेद में लिखे गए हैं वो सारे के सारे हिम्स किसको डेडिकेटेड हैं, गॉड को। कौन डेडिकेट कर रहा है, सेजेस, ठीक है, संत लोग डेडिकेट कर रहे हैं। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित होना। ठीक है, तो सारे के सारे जो हिम्स हैं वो किसको डेडिकेटेड हैं, गॉड को डेडिकेटेड हैं। और डेडिकेशन करने वाला कौन है, डेडिकेट करने वाला कौन है, सेजेस। हिम्स का मतलब क्या होता है बेटा, रिलीजियस सॉन्ग या भजन, कीर्तन। ठीक है बात, दे वर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम टीचर टू देयर डिसिप्लाई। और अब ये वन जनरेशन टू अनदर कैसे ट्रांसफॉर्म होते रहे हमें कैसे पता है, क्योंकि बेटा इन्हें जो टीचर, जो गुरु हुआ करता था वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसिप्लाइज को, अपने अनुयायियों को ओरली ट्रांसफर करता था। ठीक है बात, जो ऋग्वेदिक हिम्स हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं नॉलेज का। हाँ, किसके नॉलेज का, नॉलेज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द टाइम। उस टाइम में जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी उसका नॉलेज हमें ऋग्वेद से मिलता है और ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। फिर से ध्यान से सुनो, जो ऋग्वेदिक हिम्स हैं ये ऑथेंटिक सोर्स है, किसका ऑथेंटिक सोर्स है भैया, नॉलेज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द टाइम। उस टाइम के जो लोग थे उनकी लाइफ का नॉलेज अगर हमें चाहिए तो उसका ऑथेंटिक सोर्स है ऋग्वेद। मच ऑफ इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद, और बहुत सारी जो इंडियन फिलोसफी हैं वो ऋग्वेद पे ही बेस करती हैं। इट कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र, आज हम जो गायत्री मंत्र चैंट करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वातः सर्वतोवरेण्यं भर्गोदेवः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो किस में ही लिखा है, ऋग्वेद में ही लिखा है। और इस गायत्री मंत्र पर तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है कि कितना पॉजिटिविटी देने वाला है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने वाला है ये मंत्र। आप लोग अभी गूगल पे सर्च करो कि स्टडीज ऑन गायत्री मंत्र, तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे सामवेद को। तो टर्म साम जो है इसका मीनिंग होता है स्वीट सॉन्ग या मेलोडी। तो ये जो वेद है जिसे हम सामवेद कहते हैं, इसमें कुछ हिम्स, कुछ भजन, कुछ कीर्तन तो हम सीधे कहाँ से ले आए हैं, ऋग्वेद से ले आए हैं। ठीक हुई बात, तो इस वेद में, सो सामवेद में जो हिम्स हैं कुछ डायरेक्टली किससे आई हैं, ऋग्वेद से आई हैं। और ये जो हिम्स हैं जो सामवेद में लिखी गई हैं, इन्हें गाया जाता था कब, जब जो पुजारी थे वो सेक्रीफाइस करते थे, तब जब बलि दी जाती थी ना, जब पुजारी सामवेद के हिम्स को, भजनों को गाते थे। अब हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है उसमें जो हिम्स हैं उन्हें रिसाइट किया जाता था, चैंट किया जाता था, बोला जाता था ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, जब यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ का मतलब पता है ना, यजनास, यज्ञनास, यज्ञ।
तो जब यज्ञ होते थे उस टाइम में जो भजन गाए जाते थे वो यजुर्वेद में लिखे हैं। द हिम्स इन दिस वेद थ्रो लाइट ऑन सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस। और इस वेद के हिम्स को जब हम पढ़ते हैं, भजनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें आर्यंस की सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद को। जो हिम्स अथर्ववेद में है वो मैजिक और चार्म से रिलेट करती हैं। बहुत सारी जो हिम है वो ऋग्वेद से ली गई हैं इसमें भी। इसके अलावा पावर्स ऑफ स्पिरिट, आत्मा की ताकतें, हिम्स डील विथ ज्ञान, नॉलेज से डील करने वाली हिम्स, कर्म एक्शन की बात करने वाली, उपासना, इन्वोकेशन की बात करने वाली हिम्स हमें अथर्ववेद में मिलेंगी। अथर्ववेद बेसिकली मैजिक और चार्म से डील करता है। इसमें कुछ जो हिम है वो सीधे ऋग्वेद से ले ली गई हैं। बिसाइड्स द पावर ऑफ स्पिरिट, आत्मा की बात करने के अलावा, ये जो हिम है ये ज्ञान की, कर्म की, उपासना की, नॉलेज एक्शन, इन्वोकेशन की बात भी करते हैं। कुछ हिम्स इसमें ऐसी हैं जो मेडिसिन, दवाइयों के बारे में भी बताती हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज कैसे किया जा सकता है उनके रिगार्ड्स में बात करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मानस को। ब्रह्मानस वेद के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, रिटन आफ्टर वेद्स एज देयर सिंपल कॉमेंट्री। और जो ब्रह्मानस है वो वेद की कॉमेंट्री ही है एक तरीके से। जो ब्रह्मानस है वो प्रोस में लिखा गया है। प्रोस का मतलब आपको पता है क्या होता है बेटा? ये जो वर्ड प्रोस है, आप लोग क्लास नाइन्थ में तो आपको पता ही होगा इसका मीनिंग। प्रोस मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। अच्छा, मतलब जो पोएट्री के फॉर्म में ना हो, जो पोएम के फॉर्म में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस। अब ये जो ब्रह्मानस है ये हमें रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि भैया समाज में, धर्म में रिचुअल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, सेक्रीफाइस की क्या वैल्यू है, बलि क्यों देना चाहिए, रिचुअल्स क्यों परफॉर्म करना चाहिए, रीति रिवाज का क्या महत्व है, ये हमें ब्रह्मानस से पता चलता है। जो ब्रह्मानस है उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ईच वेद हैज़ सेवरल ब्रह्मानस। अगर एक वेद की बात करूँ तो एक वेद से पता नहीं कितने ब्रह्मानस बने हुए हैं। ठीक है बात। तो अगर आपसे पूछेगा कि ब्रह्मानस क्या है, तो आप बोलना कि ये सिंपल कॉमेंट्री है वेद की, ये प्रोस के फॉर्म में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना समझना ज़्यादा ईजी है ना। ये हमें सोशल रिलीजियस इम्पोर्टेंस बताते हैं कि भैया अगर आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, रीति रिवाज निभाते हो, तो समाज में, धर्म में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सेक्रीफाइस क्यों करने हैं, सेक्रीफाइस की क्या इम्पोर्टेंस है। ब्रह्मानस की हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हर वेद के सेवरल ब्रह्मानस है। अब हम अरण्यक्ष की बात करेंगे। अब हम अरण्यक्ष को पढ़ेंगे तो ये फॉरेस्ट बुक के नाम से जानी जाती हैं। रिटर्न फॉर द गाइडेंस ऑफ हर्मिट्स, जो सन्यासी लोग होते हैं ना बेटा, जो अपने रेगुलर जीवन को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, है ना। तो जो हर्मिट्स बोले तो सन्यासी, जिसने एक टाइम तक लाइफ में रहा और फिर लाइफ छोड़ के जंगलों में चला गया, तपस्या करने लगा, वो स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मानस, और ये ब्रह्मानस का कंक्लूडिंग पार्ट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, उन सन्यासियों के लिए लिखी गई है जो जंगलों में रहते थे। जो मेन थीम है वो है मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन शास्त्र और साधु। मिस्टिसिज्म मीनिंग क्या है? रहस्यवाद, आध्यात्मवाद, है ना, रहस्यवाद, आध्यात्मवाद, मिस्टिसिज्म, थोड़ा थोड़ा जादू वगैरह से भी आप देख सकते हो उसको। ठीक है, उपनिषद की बात करेंगे अब हम। ये फिलोसफिकल कॉमेंट्रीज हैं। क्या है? फिलोसफिकल कॉमेंट्रीज। किसके ऊपर? वेद के ऊपर। उपनिषद क्या है बेटा? फिलोसफिकल कॉमेंट्रीज। ठीक है, ये कर्म की, मोक्ष की, माया की बात करती हैं और इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन भी करती हैं। तो उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल कॉमेंट्रीज है वेद की। ये कर्म, मोक्ष और माया की बात करती है, वो भी बिल्कुल डिटेल में। जो उपनिषद्स हैं वो बेसिक सोर्स है इंडियन फिलॉसफी का। आज भारत में जो दर्शन शास्त्र चलता है, भारत में जो फिलॉसफी चलती है, जो इंडियन फिलॉसफी है, उसका बेसिक सोर्स उपनिषद्स ही हैं। इन्हें डिफरेंट सेजेस ने कंपोज किया है और ये फाउंडेशन है विच लेटर एडिशन टू द वैदिक लिटरेचर।
बेस करता है, ठीक है, मतलब उपनिषद फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर फिर सारा वैदिक लिटरेचर लिखा गया है। आई बात समझ में, फिर से ध्यान से सुनो, जो उपनिषद है वो बेसिक सोर्स है किसका, इंडियन फिलॉसफी का, इन्हें डिफरेंट सेजेस संतों ने प्रिपेयर किया है, ये फाउंडेशन है बेटा जिसके ऊपर बाद का सारा वैदिक लिटरेचर बेस करता है। जो मोस्ट फेमस उपनिषद है उसमें है छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ठीक है, तो ये शब्द उपनिषद है बेटा, इसमें तो कुछ ही नाम दिए हैं अभी, तो और नाम भी है उपनिषद के, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार गूगल सर्च करके सारे नाम तो कम से कम पढ़ ही लें उपनिषद के। अब हम बात करेंगे एलाइट वैदिक लिटरेचर की। एलाइट वैदिक लिटरेचर में फर्स्ट है द वेदांग्स, इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं देखो, वेदांग, ठीक है बात बेटा। मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको पढ़ के बताया, पर क्या वो सही तरीका है मंत्रों को पढ़ने का? बिल्कुल नहीं बेटा। मंत्र कैसे पढ़े जाएं, कैसे उनका उच्चारण किया जाए, वो बताते हैं वेदांग, ठीक है बात। तो दे डील विद द वे इन विच द वेद आउट टू बी चेंटेड, वेद को कैसे पढ़ा जाए, मंत्रों को कैसे पढ़ा जाए, ये किससे सीखते हैं, हम वेदांग से सीखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, वेदांग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको वेद को समझना है तो वेदांग को पढ़ना ही पड़ेगा। द सिक्स वेदांग्स डील विद द प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इटिमोलॉजी, मैट्रिक्स, रिचुअल एंड एस्ट्रोनॉमी, सिक्स वेदांग्स हैं, ठीक है। पहली बात सुनो, अगर वेद को पढ़ना समझना है तो वेदांग पढ़ना ही पड़ेगा। वेदांग में क्या लिखा है भाई, कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है आपको किसी वर्ड का, ग्रामर क्या है, इटिमोलॉजी क्या है, मैट्रिक्स, रिचुअल्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब आपको वेदांग में मिलेगी। उसके बाद आते हैं सूत्र। तो बेटा जो सूत्र हैं, ये जो सूत्र हैं, ये जिन्हें सूत्रास लिखा हुआ है, ये थ्री ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। श्रौत सूत्र, ठीक है, विच डील्स विथ यजना एंड सेक्रीफाइसेस, जो श्रौत सूत्र है वो यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के रिगार्ड्स में बताता है। गृह सूत्र आपको सेरेमनीज के बारे में बताता है जो लाइफ, फैमिली लाइफ से कनेक्टेड है। गृह सूत्र से ही पता चल रहा है कि या तो समर्थ सूत्र या गृह सूत्र इसको कहेंगे, ये उन सेरेमनीज की बात करता है जो फैमिली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। यज्ञ सेक्रीफाइस की बात श्रौत सूत्र करता है, और धर्म सूत्र बताता है कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जो वेरियस क्लासेस हैं पीपल की, जो कैटेगरीज लोगों की हैं, उस हर कैटेगरी में लोगों का रोल क्या है, उन्हें किस हिसाब से रहना चाहिए, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, एंड द वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। पहली बात तो आप अलग अलग क्लासेस के लोगों का क्या कंडक्ट होना चाहिए, साथ साथ किस एज में क्या कंडक्ट होना चाहिए, दोनों ही बातें बताता है धर्मसूत्र। तो फिर से ध्यान से सुनो, श्रौत्र सूत्र किसकी बात करेगा, यज्ञ और सेक्रीफाइस की। गृह सूत्र किसकी बात करेगा, वो सेरेमनीज जो फैमिली लाइफ से डील करती हैं। धर्मसूत्र बताता है कि भाई वेरियस क्लासेस को कैसे कंडक्ट रखना चाहिए, साथ ही साथ वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे द उपवेद, ठीक है, उपवेदास, जैसे कि इसका नाम बताता है कि ये सब्सिडरी वेद हैं, ये चार हैं, कितने हैं, चार। आयुर्वेद जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डील करता है, धनुर्वेद जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर, लड़ाई की बात करता है, युद्ध की बात करता है। फिर से सुनो, उपवेद कितने हैं बेटा, चार। पहले का नाम है आयुर्वेद, जो भारतीय दवाइयाँ, इंडियन मेडिसिन की बात करता है। धनुर्वेद वॉरफेयर, लड़ने की कला की बात करता है। गंधर्व वेद म्यूजिक की बात करता है। शिल्प वेद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करता है, कला, आर्किटेक्चर बोले तो घर कैसे बननी चाहिए, बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, ये जानना है तो शिल्प वेद को पढ़ो। म्यूजिक गंधर्व वेद के अंदर है। धनुर्वेद के अंदर लड़ना सीखेंगे, लड़ना मतलब ऐसे लड़ना नहीं आपस में लड़ना, मतलब वॉरफेयर, युद्ध कैसे करते हैं वो सीखोगे, मेडिसिन सीखोगे आप आयुर्वेद में। बेटा अब हम पढ़ेंगे दर्शन को, ठीक है, अब किसको, दर्शन को, लिखा क्या है, दर्शनास, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दर्शन को। दर्शन देखो, जो फिलॉसफी वर्ड है, फिलॉसफी वर्ड का हिंदी होता है दर्शन शास्त्र। तो जो भारतीय फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारतीय दर्शन,
उसको पढ़ रहे हैं, दर्शन मतलब फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शद दर्शन, ठीक है। क्योंकि कितने स्कूल हैं हमारी इंडियन फिलॉसफी के, 6, ठीक है बात। तो वर्ड फिलॉसफी को हिंदी में हम बोलते हैं दर्शन या दर्शन शास्त्र। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 स्कूल हैं जिन्हें हम शद दर्शन भी कहते हैं, जैसे न्याय दर्शन, वैशिष्का दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। दे विल प्रोपेगेट द वर्च्यू ऑफ लाइफ एंड आर अपोज टू एक्सटर्नल रिचुअल्स, ठीक है बात। बेटा अब हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र को। तो जो लॉ बुक हैं जिन्हें हम नियम कानून की किताबें भी कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम धर्मसूत्र। और जो स्मृतिज हैं, धर्मसूत्र और स्मृति को मिलाकर हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र में अकेले एक चीज़ नहीं है बेटा, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है धर्मशास्त्र, एक है धर्मसूत्र और दूसरा है स्मृति, ठीक है। तो धर्मशास्त्र और जो स्मृति है टुगेदर विद देयर कॉमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्मशास्त्र, ठीक है। ये हमें बताते हैं हमारी ड्यूटीज़ क्या है, मतलब जो डिफरेंट क्लास थी, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, राजा की ड्यूटीज़ क्या है, राजा के ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ क्या है। मनुस्मृति हमें डिस्क्रिप्शन देती है हिंदू कोड ऑफ लॉ, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्ण, मतलब कास्ट सिस्टम जो था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो उसके रिगार्ड्स में मनुस्मृति हमें बताती है, हिंदू कोड ऑफ लॉ की बात मनुस्मृति करती है कि भैया अगर किसी नियम कानून के हिसाब से हमें चलना है और अगर हिंदू कोड के हिसाब से चलना है तो वो सब किस में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ठीक है। और आश्रम्स के रिगार्ड्स में भी मनुस्मृति से पता चलता है। तो धर्मशास्त्र थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना बेटा, धर्मसूत्र और स्मृति को मिला के बना है, ठीक है बात, इन दोनों को मिला के धर्मशास्त्र कहते हैं। फिर धर्मशास्त्र में लिखा क्या गया है, हमारी ड्यूटीज़, डिफरेंट क्लासेस की ड्यूटी, ब्राह्मण्स की क्या है, क्षत्रिय की क्या है, वैश्य की क्या है, शूद्र की क्या है, राजा का क्या कंडक्ट होना चाहिए, राजा की क्या ड्यूटी है, उनके ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटी है। फिर मनुस्मृति में डिस्क्रिप्शन दिया गया है हिंदू कोड ऑफ लॉ का, इंक्लूडिंग द वर्ण सिस्टम एंड द आश्रम्स, वर्ण आश्रम सब कुछ है हमारे मनुस्मृति में, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे अष्टाध्यायी। इट इज़ अ ट्रीटीज ऑन संस्कृत ग्रामर बाय पाणिनी, पाणिनी ने लिखी है संस्कृत ग्रामर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संस्कृत ग्रामर किसने लिखी है, तो किसने लिखी है बेटा, पाणिनी ने, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है उसमें संस्कृत ग्रामर की बात है, जो किसने लिखी है, पाणिनी ने की है। इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ द वर्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड इन वैदिक लिटरेचर, पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से लिया गया है, उसकी रूट्स कहाँ पर हैं, वैदिक लिटरेचर में अगर उसे यूज़ किया गया है तो क्यों किया गया है, वैदिक लिटरेचर में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, ये सब ये हमें पता चलता है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी क्या है, इट इज़ अ ट्रीटी ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृति ग्रामर लिखने वाले कौन थे, पाणिनी। अब हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे भैया कि वेद की क्या इम्पोर्टेंस है। तो वेद है स्टोर हाउस, किसका, नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है वेद, है ना। अबाउट द वैदिक एज, वैदिक एज के रिगार्ड में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए है तो उसका स्टोर हाउस वेद है। समाज, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक्स कैसी थी उस टाइम की, कहाँ से पैसा आता था, कहाँ जाता था, लोग कैसे अर्निंग करते थे, राजनीति राजा हुआ करता था, डेमोक्रेसी हुआ करती थी, धर्म कैसा था, ये सब आपको वेद से पता चलता है, लोग कैसा जीवन जीते थे, ठीक है। पीपल इज़ रिफ्लेक्टेड इन द वैदिक लिटरेचर, और वैदिक लिटरेचर में इन सारे रिगार्ड्स में लिखा हुआ है, इसीलिए वेद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल दो रिलीजियस इन नेचर, ये रिलीजियस नेचर के हैं, फिर भी जो वेद हैं वो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली बात है, वेद हैं तो धर्म से जोड़कर ही लिखे गए हैं, धर्म की ही बात करते हैं, पर फिर भी ये, तो धर्म के अलावा हमारे वेद में म्यूजिक भी है, मेडिसिन भी है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, ग्रामर है, मैट्रिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, भी हम लोगों ने देखा है ना। जो इन्फॉर्मेशन वेद में है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें वैदिक एज कैसी थी, क्या उस टाइम में हो रहा था, वो सब जानना है तो वेद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन वेद इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल रिमेन्स फॉर गिविंग अ ग्लिम्प्स ऑफ वैदिक एज।
अब हम एपिक की बात करेंगे तो बेटा दो बहुत ही फेमस एपिक हैं, एक ही रामायण, दूसरी है महाभारत। आप लोगों को लगता है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जैसे रामायण या महाभारत नहीं पता होगा, इसलिए हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। देखो रामायण लिखी थी किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। ओरिजिनली जो रामायण लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और जो संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई थी उसे लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने लिखी थी संस्कृत भाषा में रामायण। जो स्टोरी है रामायण की वो राम की लाइफ के रिवॉल्व, राम की लाइफ के चारों तरफ घूमती रहती है। भैया राम की वाइफ थी सीता, फिर रावण उनको हर के ले जाता है जो कि एक डीमन किंग होता है, फिर राम और रावण के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। और फिर इसी में दिखाया है कि कैसे राम के भाई लक्ष्मण उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दूसरे भाई भरत वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, जो उनके एब्सेंस में उनके खड़ा उनकी चप्पलों के हेल्प से रूल करते हैं, खुद राजगद्दी पे कभी नहीं बैठते। राम चार बेटे थे दशरथ के, उसमें सबसे बड़े राम थे, अयोध्या के रूलर थे, ठीक है। और जो दशरथ थे उनकी तीन बीवियाँ थीं, तीन वाइफ्स थीं, ठीक है। राम एल्डेस्ट क्वीन, सबसे बड़ी रानी के बेटे थे कौशल्या के, ठीक है। तो बड़े भी थे, सबसे बड़ी रानी के बेटे थे तो इस नाते राजा उन्हें ही बनना चाहिए था, ठीक है। राम की शादी हो जाती है सीता से, उन्हें किंग की तरह बिठाया ही जाना था, पर जो कैकई होती है वो याद दिला देती है जैसे ही राम राजा बनने वाले होते हैं उसके पहले कि भाई राजा तो राम नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा बेटा राम, मेरा बेटा जो है वो राजा बनना चाहिए। तो दशरथ बोलते हैं भाई ऐसा क्यों, तो बोलती है आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आपने मुझे तीन प्रोमिसेस दिए थे तो उसमें से एक पूरा करने की बारी आ गई और आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा। अब केके ये सारा षड्यंत्र क्यों कर रही थी, इतने सालों पुराना वादा क्यों याद दिला रही थी, क्योंकि केके को अपने बेटे भरत को राजा बनाना था। और उन्होंने कहा कि राम को तो एग्जाइल में भेज दो, वनवास में भेज दो 14 साल के लिए, और मेरा बेटा जो भरत है वो राज करेगा। राम अपनी वाइफ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ पर सन्यासी बन के अपना जीवन जीते हैं। रावण जो एक डीमन किंग था, राक्षस था, वो सीता को हर के ले जाता है, कहाँ ले जाता है, लंका। फिर जो हमारे राम जी होते हैं वो सुग्रीव और हनुमान की हेल्प लेते हैं, ओशन क्रॉस करते हैं, रावण को हरा देते हैं, है ना। राम देन अलोंग विद सीता एंड लक्ष्मण प्रोसीडेड होम, ठीक है। पूरा 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, अपने एग्जाइल को पूरा करके वो घर वापस आते हैं और उन्हें राजा बना दिया जाता है। अब महाभारत की बात करें तो महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, ठीक है। बात सेज वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। महाभारत भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड जया, पहले से जय। अब यहाँ पर हम इसको जया पढ़ने पर बेटे जय जय विजय जो होती है ना, जीत, उसकी बात कर रहे हैं, जय। तो इट वॉज कॉल्ड जय और द कलेक्शन डीलिंग विथ विक्ट्री, जीत की जो बात करता हूँ, ठीक है। बाद में इसे जाना जाने लगा भरत के नाम से, बिकॉज इट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ डिसेंडेंट ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स कॉल्ड भरत। इसे भरत के नाम से बाद में, पहले इसे जय के नाम से गया जाना गया। जय का मतलब कलेक्शन डीलिंग विथ विक्ट्री, पर बाद में फिर इसका नाम बदल के भरत रख दिया गया। भरत क्यों रख दिया गया, क्योंकि ये भरत एक अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब थी जिनके राजा हुआ करते थे भरत, उन्हीं के जो डिसेंडेंट थे उनकी स्टोरीज थी, इसीलिए इसका नाम भरत रख दिया गया। फाइनली बाद में सबसे लास्ट में इस कंपाइलेशन को महाभारत के नाम से जाना गया। अब हम बात करेंगे बेटा भगवद गीता की, जो महाभारत का ही पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है जिसे बहुत सारे भारतीय पवित्र मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। इसमें बात कही गई है कि जब आप खुद कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जब ये धर्म युद्ध आपके दिमाग में चलने लगे कि यार मैं ये करूं या ना करूं, इसके करने से मेरे ही लोगों के साथ ये गलत ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सारे आंसर आपको कौन देती है, भगवद गीता देती है। That is the secret of undying popularity of this religious text. आज भी बड़े बड़े management institutes all over world में भगवद गीता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बड़े बड़े जो हमारे scholars हैं वो गीता की बात करते हैं, गीता के ऊपर lecture देते हैं, management philosophies derive की जा रही हैं गीता, sorry, इससे भगवद गीता से। तो it means
कहीं ना कहीं तो कुछ इसमें है, तभी तो इसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ये टीचर्स दैट सोल इज इमॉर्टल, और गीता ही हमें बताती है कि जो हमारी आत्मा है वो अनश्वर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे महाभारत को, ठीक है। इतनी बड़ी महाभारत को 5 पैराग्राफ में, वो भी छोटे छोटे। चलो, तो जो हस्तिनापुर के राजा थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र, उनके थे 100 बेटे जिन्हें कहते थे कौरव, है ना। तो जो धृतराष्ट्र थे उनका एक ब्रदर था पांडव, जिसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे ही थे जब पांडव के, तभी उनकी हो जाती है डेथ। उनके होते 5 बेटे जिन्हें कहते हैं पांडव, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम धीरे 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 जो धृतराष्ट्र होते हैं वो जो एल्डेस्ट पांडव होते हैं युधिष्ठिर, उसको अपना सक्सेसर बताते हैं। वो सक्सेसर बता के कोई दया नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअल में ये राजपाट सारा पांडव का ही था, ठीक है। वो तो पांडव के श्राप के कारण वो धृतराष्ट्र को केयर टेकर बना के जाते हैं, है ना, कि भाई आप इस राज्य की केयर टेकिंग करो, जब मेरे बच्चे आएंगे तो ये उनका हो जाएगा राज्य। तो धृतराष्ट्र को ये करना ही पड़ता है, तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को अपना सक्सेसर बता देते हैं। पर इसे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है, जो कौरवों का एल्डेस्ट सन था, क्योंकि वो तो मान के बैठा था भैया कि मेरे पापा का राज है, वो चला रहे हैं तो आगे मैं ही चलाऊंगा। और इस वजह से बहुत ही जेलिस वाली फीलिंग आ जाती है कजिन्स के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में एनमिटी दुश्मनी वाला भाव आ जाता है। एक बार ये लोग डाइस का गेम खेल रहे होते हैं, 500 का खेल चौपड़, तो युधिष्ठिर जो बड़े बेटे होते हैं पांडव, सबसे बड़े पांडव होते हैं, वो अपने पूरी किंगडम को हार जाते हैं, इवन द्रौपदी को भी हार जाते हैं दुर्योधन को, ठीक है। और जो खेल की जो टर्म्स थी, जो एग्रीमेंट था, उसके अकॉर्डिंग पांडव्स को एग्जाइल पे, वनवास पे जाना पड़ता है। मतलब खेल खेलने के पहले ये टर्म्स रखी गई थी कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोग वनवास पे जाओगे। तो बेचारे युधिष्ठिर सब कुछ तो हार जाते हैं, इवन अपनी बीवी भी हार जाते हैं। पर जैसे ही एग्जाइल कंप्लीट होता है, पांडव वापस आते हैं और कौरव से कहते हैं कि भाई हमारा किंगडम वापस कर दो, पर दुर्योधन मना करता है कि मैं तो अब तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो वॉर होता है, इस वॉर को ये महाभारत कहते हैं। फॉलोड अर्जुन, अब पांडव वॉज रिलक्टेंट टू फाइट, अब अर्जुन यहाँ पे फाइट करने को मना कर देते हैं। अच्छा देखो, 5 पांडव है, 5 लड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। अर्जुन कहता है क्या इस किंगडम के लिए मैं अपने लोगों को मारूं, है तो एक्चुअल में मेरे कजिन ही, तो वो मना फाइट करने से मना कर देता है। कृष्ण अल्टीमेटली उसको समझाते हैं कि भाई ये उसकी ड्यूटी है कि उसे लड़ना पड़ेगा, ये जो कौरव करेंगे अधर्म है, तो धर्म अगर स्थापित करना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और इसी जो ये जो बातचीत है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जहाँ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि भाई इनके अंदर जो आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं है, ठीक है, आत्मा तो कुछ भी कर लो वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये जो बातचीत है इसी को कंपाइल करके बनी है भगवद गीता, और ये महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत वो लास्टेड फॉर 18 डेज, 18 दिन चलने वाला युद्ध था। इस वॉर में कौरव के सारे ब्रदर मारे गए और हस्तिनापुर का फिर रूलर बन गए थे कौन, युधिष्ठिर। अब एपिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो एपिक्स है वो मेन सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, कि भाई उस टाइम में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे होते थे, राजा कैसे रूल किया करता था, समाज कैसा था, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते थे, तो ये हमें एपिक के रिगार्ड में एपिक्स इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, कि जिस एज में ये एपिक चल रही हैं उस एज में बाकी सारी चीज़ें कैसी थी। ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं बहुत सारे आर्यन किंगडम्स के रिगार्ड में, उनकी आर्मीज कैसी थी, किस प्रकार के वो वेपन्स हथियारों को यूज़ करते थे। क्षत्रियाज वर इंटरेस्टेड विद डिफेंस ऑफ देयर किंगडम, क्षत्रियाज को ये ड्यूटी दी गई थी कि अपने डिफेंस, अपने किंगडम के डिफेंस की जिम्मेदारी भैया आपकी है, ठीक है। और क्षत्रियों का ये धर्म होता था कि अगर लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु भी हो जाए, तो बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में अगर उनकी डेथ भी हो जाए, तो ये सबसे बड़ा नॉबलिस्ट एक्ट है एक वॉरियर के लिए। जो एपिक है वो फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क है एंशिएंट पीरियड का, ठीक है, एंड आर एक्लेम्ड फॉर द लिटरेरी एंड फिलोसफिकल वैल्यूज़, और अपनी लिटरेरी और फिलोसफिकल वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है। सच में पूरी महाभारत, पूरी रामायण फुल है फिलोसफी से, हर एक चैप्टर से, हर एक पैराग्राफ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये हाई आइडियल्स को दिखाती हैं फैमिली लाइफ के, ठीक है, भले वो रामायण हो महाभारत हो, दोनों ही फैमिली लाइफ की बात करती हैं। पेरेंट्स किस तरीके से सोचते थे, उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, ये हमें एपिक्स के थ्रू जान पड़ता है। जो ग्रेट हीरोज़ थे
जो जिनकी बातें एपिक में की गई हैं उनके हाई मॉरल वैल्यूज़ थे, हाई मॉरल प्रिंसिपल वैल्यूज़ थे, मतलब हाई मॉरल प्रिंसिपल्स थे। जैसे भले हम राम की बात करें या फिर हम युधिष्ठिर की बात करें, लक्ष्मण की बात करें या अर्जुन की बात करें, तो हाई मॉरल प्रिंसिपल पे बेस था इनका जो कैरेक्टर था, और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है सक्सेसिव जनरेशन पे। आज भी जब हम राम की बात करते हैं तो किसी एक अच्छे बच्चे को देखते हैं तो ऐसा कहते हैं, नहीं यार ये तो बिल्कुल राम है ना। तो जितना अच्छा कैरेक्टर इन लोगों का था, हीरोज़ को हर व्यक्ति फॉलो करता है, तो सक्सेसिव जनरेशन में भी लोगों ने इनकी तरह बनने की कोशिश की। और जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो बेटा उसमें तो कर्म फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल, हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, अनश्वर है, इसकी बात की गई है। कर्म मतलब आप कर्म करते चलो, बाकी तो सारी चीज़ें भगवान देख ही लेगा, ये कौन बताता है, भगवद गीता। स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, ओनली इफ यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पार्ट टू स्टार्ट करेंगे।